Two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor 10 ohm. ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस लोड लाइज बिटवीन. तो देखो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बैटरी, दूसरी बैटरी और ये इसको भी तीसरी बैटरी मान लेते हैं, इसके साथ बैटरी का ईएमएफ जीरो हो गया. तो हम डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी अज्यूमिंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बैटरीज. तो ये हो जाएगा ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू और ई थ्री की जगह जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन टेन एंड होल डिवाइडेड बाई वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. तो ये हमको डायरेक्टली वोल्टेज दे देगा. तो ये वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये निकल के आएगी 12 प्लस 6.5 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 10. तो ये वैल्यू आती है निकल के 11.5625 के आसपास. तो 11.5625 का मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा.